आज की जो हमारी क्लास है वो है पेज सेटअप के ऊपर। पेज सेटअप के बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेज सबसे पहला जो ऑप्शन है कि पेज सेटअप वाला जो ऑप्शन होता है वो पेज लेआउट टैब के अंदर होता है। यानी कि आप एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेज सेटअप वाला ऑप्शन दिखाई देगा। क्लियर है? आज इसी के बारे में हमको जानना है। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पेज सेटअप वाला जो ऑप्शन है उसका यूज़ हम करते हैं इस डॉक्यूमेंट एरिया की सेटिंग के लिए। जो डॉक्यूमेंट एरिया है जिस पे जो हमारा वर्किंग एरिया होता है इसको हम पेज बोलते हैं। तो पेज सेटअप में इससे रिलेटेड सारे पेज की विड्थ सेट करना, उसकी साइज सेट करना, मार्जिन सेट करना, ये सारी सेटिंग्स इसी ऑप्शन के अंदर होती है। क्लियर है? इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीका हम देखेंगे। सबसे पहला तो है यहाँ पर क्विक टूल बार दी हुई है, यानी कि आप यहाँ पर तुरंत मार्जिन सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे पेज सेटअप में आपको मार्जिन ऑप्शन आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो वर्किंग एरिया है उसमें कुछ मार्जिन चारों तरफ छुटी हुई रहती है। व्यू में जाके आप गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको मार्जिन्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो चारों तरफ मार्जिन छुटी रहती है इस मार्जिन की लंबाई चौड़ाई को हम सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे? देखिए यहाँ पर आप पेज सेटअप में जाएंगे। मार्जिन में जाने पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस पहले से डिफाइंड ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस मार्जिन ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन में क्या होता है, टॉप में 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, राइट में 1 इंच, ऐसा चारों तरफ एक एक इंच जो है वो यहाँ पर छूटा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6.5 से 7.5, यानी कि ये 1 इंच है ना, अपने के लिए रूलर दिया हुआ है। इसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 इंच इधर, 1 इंच ऊपर, 1 इंच इधर, और चारों तरफ एक एक इंच छूटी हुई है। ये नॉर्मल मार्जिन होती है। तो आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएस वर्ड की जो नॉर्मल मार्जिन की सेटिंग होती है वो क्या होती है, तो आप उसमें बता सकते हो कि नॉर्मल मार्जिन जो होती है बाय डिफॉल्ट 1 इंच चारों तरफ छुटा होता है। अब आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर नैरो कर देंगे। नैरो करने से मार्जिन जो है ना आधा आधा इंच हो जाएगी। यानी कि ये जो गैप है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6.5 से लेकर के 7.5, यानी कि 1 इंच का जो गैप है ये वाला, इधर 1 इंच का जो गैप है ये आधा हो जाएगा और पेज पर लिखने की जो जगह है वो बढ़ जाएगी। तो आप नैरो मार्जिन करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नैरो मार्जिन करता हूँ तो देखिए वर्किंग एरिया बढ़ गया। मैंने जानबूझ के गाइडलाइंस ओपन करके रखी है ताकि आपको पता चले कि वर्किंग एरिया इतना बढ़ गया है, चारों तरफ जो मार्जिन है वो कम हो गई है। तो नैरो मार्जिन जब आपको ज़्यादा जगह चाहिए तो आप नैरो मार्जिन कर लीजिए। मॉडरेट करेंगे तो देखिए टॉप और बॉटम में एक एक रहेगा। यहाँ पर चारों मार्जिन सेट दिखा रहा है, टॉप और बॉटम में क्या रहेगा, एक एक इंच रहेगा, लेफ्ट और राइट में 0.75 इंच रहेगा। तो मॉडरेट आप करोगे तो इस तरीके से मार्जिन आपको मिलेगी, और वाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है वो छूट जाएगी, बहुत कम वर्किंग एरिया आपको मिलेगा। तो कुछ सेटिंग्स जो हैं उसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्जिन की कुछ सेटिंग्स हम यहाँ से दी हुई है। जैसे यहाँ पर मिरर्ड मार्जिन भी कर सकते हैं। मिरर्ड मार्जिन करने से क्या होता है, अगर मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे मैं यहाँ पर 2 पेज बनाकर आपको दिखा देता हूँ, तो ये 2 पेज रहेंगे तो मिरर मार्जिन बनती है। देखिए ये बीच की जो यहाँ की राइट की मार्जिन और यहाँ की मार्जिन जो है वो सेम हो जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे थे मार्जिन के बारे में, तो इन मार्जिन्स को आप अपने हिसाब से खुद ब खुद सेट कर सकते हो। उसको सेट करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन सेट कर देता हूँ तो यहाँ पर पेज सेटअप के राइट में आपको दिखाई देगा। देखिए पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे, ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड था यहाँ से क्विक एक्सेस, क्विक यहाँ पर बटन बने हुए हैं, इससे आप कुछ जो कॉमन यूज होने वाली मार्जिन की सेटिंग है वो यहाँ पर दिख रही है। क्लियर?
तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मार्जिन दिखाई जाती है, और मार्जिन कितने टाइप की होती है ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि मार्जिन जो है वो चार टाइप की होती है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट एक एक इंच जो है वो गैप रहता है इसमें, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये टॉप मार्जिन आप दिख रही है आपको, तो आप इसको मैं कम कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको कम करता हूँ देखिए ज़ीरो कर दिया या 0.1 कर दिया, तो यहाँ पर जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देख रहे हैं कि जो टॉप में जो मार्जिन है वो बहुत कम हो गई है। तो आप इसको खुद से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर जाइए और मार्जिन में कम ज़्यादा कर दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए, और नीचे यहाँ प्रीव्यू दिखाता है आपको, जैसे इसको आप बढ़ा रहे हैं देखिए बढ़ते जाएगा। तो आप अपने हिसाब से मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये मार्जिन वाला काम हमको तब इम्पॉर्टेंट लगता है जब स्टाम्प पेपर में प्रिंट करना होता है, क्योंकि स्टाम्प पेपर ऊपर में इतनी जगह घेरे रहता है, तो इतना हिस्सा हमको छोड़ना रहता है, पहले से यहाँ पर स्टैम्प जो है वो प्रिंटेड रहता है, तो उस समय हमको मार्जिन सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अदरवाइज स्टैम्प के ऊपर ही प्रिंट हो जाता है, क्लियर है, और पेपर जो है आपका ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप टॉप मार्जिन और राइट मार्जिन को खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये पहला मेथड है कि मार्जिन हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं, दूसरा मेथड है हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं, तीसरा और डायरेक्ट मेथड ये कि हम रूलर से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इस मार्जिन को हमको कम करना है तो आपको सबसे पहले वर्किंग एरिया में अपना कर्सर रखना होगा, यहाँ पर देखिए मार्जिन दिख रही है, इसको ड्रैग करके आप मार्जिन को कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप ऐसा मार्जिन को खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली मार्जिन आपको कम करनी है तो आप यहाँ पर जाइए और बिल्कुल कम कर दीजिए। तो ऐसा डायरेक्ट रूलर से भी आप मार्जिन को कम कर सकते हैं। तो तीन तरीके हैं मार्जिन को कम करने के। पहला तो है आप यहाँ पर मेन्यू या लिस्ट से आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है उनको ले सकते हो, कॉमन सेटिंग्स। दूसरा है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। तीसरा है आप डायरेक्ट यहाँ पर रूलर से भी मार्जिन को सेट कर सकते हो। देखिए राइट मार्जिन का ऑप्शन भी दे रहा है यहाँ पर। तो पेज सेटअप में हमने आज देखा मार्जिन के बारे में, मार्जिन चार टाइप की होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्जिन का नाम दिया हुआ है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। इसके अलावा दो टाइप के यहाँ पर एक और मार्जिन होती है जिसको बोलते हैं गटर, और ये आपका इसके अलावा हेडर एंड फुटर भी होता है। अब ये देखते हैं कि इस ऑप्शन का यूज़ हम क्या क्यों करते हैं। अब फिर देखे होंगे कभी कभी हम यहाँ पर बाइंडिंग करवाते हैं, जब पेज की प्रिंट निकलती है तो ये बाइंडिंग करते हैं, तो बाइंडिंग में इतना एरिया जो है या थोड़ा सा एरिया जो है कवर हो जाता है, दब जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर गटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसकी पोजीशन होती है या तो लेफ्ट में लो या टॉप में लो, यानी कि बुक जो है ऐसा ओपन होगी या फिर ऐसे ओपन होगी, तो इसके लिए भी हम मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को लेंगे कि 0.5, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो बुक बाइंडिंग के लिए 0.5 जो इंच है वो छोड़ेगा, इसकी पोजीशन क्या है लेफ्ट में, तो यहाँ पर एक एडिशनल मार्जिन आ जाती है, इसको गेटर ऑप्शन बोलते हैं। ये बाइंडिंग काम के लिए यूज़ होती है। इसकी पोजीशन मैं टॉप कर दूंगा तो यहाँ होगा, ये नोटपैड वगैरह को स्पायरल बाइंडिंग या किसी प्रकार की बाइंडिंग करके बुक बनाई जाती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन था जिसमें हमने मार्जिन्स को सेट की। तो पहला मार्जिन का जो लिखने वाला टॉपिक है वो मार्जिन के टाइप्स हैं, कितने टाइप की मार्जिन होती है। दूसरा पॉइंट आपको बन रहा है कि डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होती है, आपके पास नॉर्मल मार्जिन जो होती है 1111 होती है। तीसरा पॉइंट आपके पास बन रहा है कि मार्जिन को सेट करने के तीन तरीके हैं, यहाँ पर आप मेन्यू से यूज़ कर सकते हो, इसके डायलॉग बॉक्स से सेटअप कर सकते हो, या फिर रूलर से सेटअप कर सकते हो। तीन तरीका है मार्जिन को सेट करने का, क्लियर। इसके बाद मार्जिन में एक एडिशनल ऑप्शन आपने देखा कि गेटर का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ये बुक बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। तो हमने पेज लेआउट में मार्जिन सेट करना देखा, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं ओरिएंटेशन। पेज सेटअप में हम ओरिएंटेशन देखते हैं, दो प्रकार के पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे या रखेंगे तो पेज ओरिएंटेशन को स्विच करने के लिए बनाया गया है।
किसी भी पेज के दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट ऑन लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट यानी डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, यानी पेज ऐसा रहता है, और लैंडस्केप करने से पेज ऐसा हो जाता है, ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके का होता है। तो इसमें जब पेज की साइज में A4 लेता हूँ तो क्लियरली दिखाई देगा, तो पेज जो है इस तरीके का हो जाएगा, रोटेट हो जाता है। तो आपका जो ओरिएंटेशन है वो आप सेट कर लीजिए यहाँ से, पेज लेआउट और पेज ओरिएंटेशन। तो दो टाइप के ओरिएंटेशन आपके पास होते हैं, आपके पास दो टाइप के ओरिएंटेशन है, पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और दूसरा तरीका है कि आप अपना ओरिएंटेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर आपको देखिए ओरिएंटेशन दिख रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जब मैं पोर्ट्रेट लूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कभी कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो हमको ये चेंज करने तो आता है, मैक्सिमम लोगों को ये ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करने आ जाता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि पहला पेज हमको ऐसा चाहिए, तिरछा चाहिए, और दूसरा पेज ऐसा चाहिए, तो वो नहीं हो पाता। अगर मैं इसमें ओरिएंटेशन चेंज करूँगा तो सारा का सारा पेज जो है वो ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 पेज है तो पूरे 100 पेज ऐसे हो जाते हैं। अगर यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ तो पूरे 100 पेज ऐसे हो जाते हैं, जबकि हमको क्या चाहिए, पहला पेज ऐसा चाहिए और दूसरा पेज ऐसा चाहिए। तो ये मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, और अक्सर मैगजीन में होता है कि पहला पेज ऐसे चौड़ा रहता है और दूसरा पेज जो है इस तरीके से कंबाइन करके रहता है, मैगजीन हो गया, या फिर आपका कोई डायग्राम दिखाना है, कोई चार्ट दिखाना है आपको, तो इस तरीके का सेटिंग हमको नहीं आता है। तो इसको भी देखते हैं कि कैसे करना रहता है। देखिए ध्यान से देखना है, इसका स्टेप जो है थोड़ा भी सीक्वेंस चेंज होता है तो गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले पेज लेआउट में जाना है, ब्रेक में जा करके आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है, ध्यान देना है, ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। सबसे पहले कर्सर सेकंड पेज में रख लीजिए, सेकंड पेज के फर्स्ट पॉइंट पे रखेंगे, और आपको ब्रेक में जाना है, ब्रेक में गए नेक्स्ट पेज में क्लिक कर दिए, कोई अंतर पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन वो नेक्स्ट पेज हो गया है। अब आपको कर्सर कहीं भी हिलाना नहीं है, कर्सर जहाँ पर है वहीं रखिए, और उसके बाद ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप कर दीजिए। देखिए एक पेज ऐसा होगा और दूसरा पेज ऐसा हो जाएगा। ये वाली जो सेटिंग है मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, वो एमएस वर्ड में काफ़ी दिन से काम कर रहे होते हैं, फिर भी ये सेटिंग जो है थीसिस लिखने के लिए या मैगजीन प्रिंट करने के लिए या उस टाइप के कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इस प्रकार की सेटिंग हमको करनी पड़ती है। तो एक पेज ऐसा और एक पेज ऐसा, ऐसा करने के लिए हमको ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है, सेक्शन ब्रेक या फिर नेक्स्ट पेज का यूज़ करना होगा। फिलहाल ये वाले ऑप्शन को अभी भूल जाइए, हम अभी ओरिएंटेशन देख रहे थे, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। ओरिएंटेशन हमने देखा कि दो प्रकार के ओरिएंटेशन है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है पेज की जो साइज़ है, आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो पेज प्रिंटर में दे रहे हैं यहाँ पर वही साइज़ आपको सेलेक्ट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट में जो पेज मिलता है वो A4 साइज़ का होता है, जिसकी जो A4 साइज़ की जो लंबाई चौड़ाई है आपको यहाँ पर दिख रही है 8.27 इंचेस और 11.69 इंचेस, ये A4 साइज़ का पेपर है। जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो इंडिया में A4 साइज़ का पेपर जो है वो प्रचलित है, और जितने भी प्रिंटर्स बनाए जाते हैं वो पूरी तरीके से A4 साइज़ पेपर को ही सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर लेटर ये वाला पेपर लिया है तो आप ये पेपर लेंगे तो इसकी साइज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि लेटर में यहाँ पर देखेंगे आप इसकी साइज़ आपको दिख रही है 8.5 × 11। तो अगर आपने लेटर साइज ले लिया है और आप टाइप करते हैं तो स्क्रीन पर तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन जब प्रिंट करते समय आपने लेटर पेज नहीं दिया है, आप ध्यान दीजिए प्रिंट करते समय आपने A4 पेज दिया है, तो निश्चित सी बात है कि लेटर साइज का जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट है उसको A4 में प्रिंट करेंगे तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो पेपर यहाँ पर दे रहे हैं वही पेपर आप सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही एक लीगल साइज़ का पेपर होता है, देखिए जो स्टाम्प पेपर होता है वो लीगल साइज़ का होता है, थोड़ा लंबा होता है क्योंकि ऊपर में स्टाम्प का यहाँ पर एरिया छोटा होता है, तो हमको स्टाम्प पेपर में प्रिंट करना होता है तो लीगल साइज़ सेलेक्ट करके ऐसा लेना होता है। तो किस पेपर में आप प्रिंट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेपर की जो साइज़ है आप यहाँ पर रख लीजिए, तो यहाँ पर पॉइंट आपके पास मिल गया कि पेपर साइज़ कई टाइप की होती है, जिसमें पॉपुलर साइज़ है A4, A3, लीगल और लेटर। लीगल जो है स्टाम्प पेपर या कोर्ट वगैरह में यूज़ होता है, लेटर जो है स्टाम्प पेपर लेटर हेड में यूज़ होते हैं,
A4 जो है नॉर्मल पेपर है जो सब जगह यूज होते हैं, क्लियर। A3 जो है इसका डबल साइज होता है, A4 का डबल होता है, यानी A3 को बीच से काट देंगे तो दो A4 लगभग बन जाते हैं, क्लियर। तो बड़े साइज का पेपर जिसमें घर के नक्शा वगैरह प्रिंट होता है वो यहाँ पर लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर मोर में जाकर के और भी साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पेपर साइज। इसके बाद हम देखते हैं कॉलम्स वाले जो ऑप्शन है, हमने कॉलम्स वाले ऑप्शन को देखा कि अगर आप कॉलम्स में जाएंगे तो वन कॉलम टू कॉलम, टू कॉलम को आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैं व्यू में जाता हूँ और ये हटा देता हूँ। वन कॉलम टू कॉलम के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दिया और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आ गए हैं। अब मैं वन कॉलम टू कॉलम के बारे में आपको बताता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये वन कॉलम पे सेट होता है, क्लियर है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके अगर मैं पेज लेआउट में जा करके टू कॉलम कर देता हूँ तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे किसी बुक में रहता है कि यहाँ का कंटेंट जो है वो ऐसा पूरा ख़त्म होता है और उसके बाद फिर यहाँ से चालू होता है। तो ऐसा टू कॉलम हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इन टू कॉलम के बीच में जो गैप है उसको हम यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए यहाँ पर आप जाइए, टू कॉलम का जो गैप है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये टू कॉलम वाला ऑप्शन हो गया। ऐसे ही आप थ्री कॉलम कर सकते हैं, ऐसे ही आप लेफ्ट कॉलम कर सकते हैं, लेफ्ट में कम रहेगा राइट में ज़्यादा रहेगा, और राइट कॉलम कर सकते हैं जिसमें राइट में कम रहेगा लेफ्ट में ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा आप मोर कॉलम्स में जा करके खुद से भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपको दो कॉलम चाहिए, तीन कॉलम चाहिए, पांच कॉलम चाहिए, जितनी कॉलम चाहिए आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई भी सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आज देखा कि कॉलम्स को हमने पेज सेटअप में कैसे सेट किया है। इसके अलावा लाइन नंबर्स, लाइन नंबर आप करेंगे तो हर पेज में ऐसा लाइन नंबर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जूम करके हर लाइन के आगे ऐसा लाइन नंबर आने लगेगा। इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं होता है लेकिन जब आपको लाइंस काउंट करनी होती है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नन कर देता हूँ और उसके बाद हाइफन वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड यहाँ पर जैसे देखो ये अदर लिखा है और अदर लिखने के बाद यहाँ पर लाइन ख़त्म हो जाती है तो हाइफन ऑटोमेटिक लगा देता है यहाँ पर। देखिए मैं इसको हाइफन को हटाऊंगा तो यहाँ पर अदर इस साइड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइफन करने से क्या होगा पूरा एडजस्ट करता है और यहाँ पर हाइफन लगा करके नीचे ला देता है। जैसे यहाँ पर पिक्चर, ये हाइफन वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने पेज सेटअप के बारे में आज समझा। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।